नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच जहां भारतीय नागरिक फंस चुके हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से भारतीय नागरिकों को वापस ला रहे हैं, जिसके चलते शामली जनपद के छात्र अंश भार्गव मानवी भार्गव आज अपने गृह जनपद शामली पहुंच गए, जिसके बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं शामली पहुंचे अंश और मानवी भार्गव ने यूक्रेन में किस तरीके से अपना समय बिताया वह पूरी आप बीती सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के व्यापारी प्रभात भार्गव के दो बच्चे हैं, जिनमें बेटी मानवी भार्गव और बेटा अंश भार्गव हैं। यहां पर प्रभात भार्गव शामली में टायर सेलर व गाड़ियों के अलाइनमेंट का काम करते हैं। वहीं प्रभात भार्गव ने अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर MBBS की पढ़ाई कर रहे दोनों बच्चे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच फंस कर रह गए। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग के बीच फंसे अंश भार्गव और मानवी भार्गव आज अपने गृह जनपद शामली पहुंचे, जहां पर दोनों बच्चों को देखकर उनके परिजन भी भावुक हो उठे। मैदानी जंग से अपने वतन वापस परिजनों के बीच पहुंचे अंश भार्गव और मानवी भार्गव ने मीडिया के सामने आप बीती सुनाई है, जहां पर मानवी भार्गव ने बताया कि वह इवानो सिटी की यूनिवर्सिटी में MBBS की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। यहां पर मानवी ने यूक्रेन में हुए बम ब्लास्ट को बखूबी सुना है और उससे निकलते हुए धुएं को भी बखूबी देखा है, जिसके बाद से यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों में दहशत पैदा हो गई थी। हालांकि अभी तक 1500 से अधिक बच्चे वापस भारत आ चुके हैं। वहीं अंश और मानवी भार्गव दोनों भाई बहन भी आज रोमानिया देश के बॉर्डर से होते हुए अपने शहर शामली वापस आ गए। मानवी ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में यूक्रेन बचेगा या नहीं, या उस पर रूस अपना कब्जा जमा पाएगा या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारी जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है वह शायद 18,000 भारतीयों की मेहनत पर पानी फेर सकता है, क्योंकि अभी तक यह तय नहीं है कि हम लोगों की पढ़ाई के बाद जो हम लोगों ने डिग्री के लिए तैयारी की है वह डिग्री हमें मिलेगी भी या नहीं। वहीं यूक्रेन के इवानो शहर से रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मानवी व उसके भाई को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें उन्हें -6 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। वहीं यूनिवर्सिटी से रोमानिया शहर तक आने के लिए उन्होंने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनको रोमानिया बॉर्डर तक आने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वहां पर आने के बाद खुले आसमान के नीचे रहना और अपने वतन वापसी का इंतजार करना वह समय उनके ऊपर काफी भारी पड़ा है, जिसको बयां नहीं किया जा सकता। वहां का बहुत अभी भी तनाव भरा माहौल है, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन हो रखी है। वो देश वाले अब देशवासी अपना बचाव करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं कि हम कैसे बचाएं, मतलब वहां पे स्थिति ऐसी हो रही है कि जिसको करना है वो खुद से करना है। अब यूक्रेनियन में अब मेरे दोस्त वगैरह जो खारकी वगैरह सूमी वगैरह रहे, मेरे कंटिन्यूसली उनसे बात हो रही है, उनके पास अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही कि वहाँ कोई बॉर्डर पहुँचा दे, क्योंकि वहाँ पे अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकते हैं और बमबारी लगातार हो रही है, ये नहीं पता कहाँ हो जाए। मिलिट्री का पूरा वहाँ पे आर्मी मिलिट्री ने जो रशियन आर्मी है उन्होंने सब घेर रखा है। जहाँ पर आप वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं किया कुछ भी, क्योंकि वो खुद ही ऐसा है, अभी वो अपनी जान बचा ले वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो हमारे लिए क्या ही करेगी, हमें जो भी करना है वो खुद से करना है। तो रोमानिया बॉर्डर तक वो हम अपने खुद के एक्सपेंस से खुद के रिस्क पे आए हैं, बस के आगे भारत का झंडा लगा के, जिससे हमको कोई कुछ ना कहे, इस तरीके से हम वहाँ से निकले हैं। और रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने मतलब 24 घंटे लगे हमको क्रॉस करने, वहीं बैठे रहे 24 घंटे इंतजार में क्रॉस करने के बाद। उसके बाद जो रोमानिया में इंडियन एम्बेसी है उन्होंने बहुत बहुत हमारी सहायता की, बसें चल रही हैं लगातार, होटल में बच्चे पहुँचाए जा रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट उनको भेजा जा रहा है, तो उस तरीके से सारा ऑपरेट चल रहा है, बट थोड़ा कम धीमे चल रहा है, जिस हिसाब से कंडीशन डे बाय डे वहाँ पे बहुत ख़राब हो रही है, बट उस हिसाब से बच्चे इंडिया नहीं आ जा रहे। जब आप बता रहे हैं कि आप इंडिया फ्लैग जो लगा करके चले थे, क्या बीच में किसी ने रोका? अगर रोका तो क्या इंडिया फ्लैग की वजह से आगे जाने दिया? कैसा देखने को मिला? देखो जगह जगह वहाँ पे चेक पॉइंट है, हम बॉर्डर जाते तो इंडियन फ्लैग बसें जा रही थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमको सीधा जाने दिया, किसी तरह की नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे रोमानिया बॉर्डर पर पहुँचे, वहाँ क्या हालात देखने को मिले थे आपको? वहाँ पे हालात बहुत ख़राब से भी ख़राब मान के चलो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियन पहुँच चुका है अपने आप को बचाने के लिए। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे आप, और वतन पहुँचकर कैसा लगा है? देखो इतना सब कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट की वजह से ही हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए, जितने भी जो हमारी आवाज़ अब तक इससे पहले रेस्क्यू नहीं हो रहा था, बट मीडिया वाले लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई, हमको रोज़ न्यूज़ चैनल पर लिया, हमारी सिचुएशन जानी, तो इसी तरीके से हम जल्द से जल्द आए हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत सही कर रही है, बट वो जो चल रहा है बहुत धीमे चल रहा है, फ्लाइटें रोज दो जा रही हैं। क्या वहाँ पे एयर किसी और दूसरे देशों ने भी अपने नागरिकों को, स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया है, आपकी जानकारी में है कुछ? बिल्कुल है, जो दूसरे देश के हैं जो बच्चे थे, तो उनकी एम्बेसी ने उनको वार होने से पिछले 15 दिन पहले ही उनको सतर्क कर दिया था, और उनको सीधा ही कह दिया था कि आप अपने अपने देश लौट जाइए, यहाँ पे कंडीशन खराब है।
तो वो किस तरीके से अपने टिकट बुक करके लिए या उन्होंने उनको एयरलिफ्ट किया गया? उस टाइम पे कंडीशन इतनी नहीं खराब थी, उस टाइम ये था कि हाँ वार हो सकती है, वार होने के मतलब लाइक 20 दिन पहले, तो उस टाइम इतनी कंडीशन नहीं खराब थी, लोगों को कह दिया था अपने देश चले जाइए, तो सब अपने अपने एक्सपेंस पे जैसे नॉर्मल फ्लाइट करा के वापस हुए। अच्छा वहाँ मैं यूक्रेन में हिमानों में रहती हूँ और ये पोलैंड के बहुत पास पड़ता है, तो जब वार की स्टार्टिंग हुई थी तो हमें लगता था हम काफ़ी सेफ जोन में हैं और जो शुरुआत होगी वो खार्किव की जो मेन रीजन है वहाँ से होगी। लेकिन अब से 6 दिन पहले क्या हुआ था कि फाइटर प्लेन्स की आवाज़ हमें पूरी रात सुनाई दी, हमने सोचा कि नॉर्मल होगा, कुछ ऐसा नहीं लगा। उसके बाद सुबह न्यूज़ आती है कि बॉम्ब हमारे से 2 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पर गिरा है, हमने उसकी आवाज़ भी सुनी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें भयंकर धुआं उठ रहा है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक की हो गई थी। उसी के 2 मिनट बाद सिटी अलार्म बोल गया, इमरजेंसी अलार्म जिसे बोलते हैं, कि आपकी पूरी एक सिटी क्रिटिकल सिचुएशन में है इस टाइम। वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लगातार न्यूज़ आती रही, रशियन फाइटर प्लेन्स आते रहे और लगातार 3 दिन आसमान में फाइटर प्लेन्स चलते रहे, न्यूज़ यही आती रही कि यहाँ वार हो चुकी, यहाँ पर बॉम्ब गिर चुके। सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। एट द लास्ट मोमेंट जब हमें पता लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, अभी वो ऑनलाइन चलेगी, तब हमने इवानो छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। 1000 बच्चा एक साथ इवानो से निकला है। उसके बाद हम गए थे रोमानिया बॉर्डर, वहाँ की सिचुएशन और भी खतरनाक थी। वहाँ 3000 से 4000 बच्चा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लड़ रहा था आपस में, ग्राउंड लेवल पे बच्चों के ऊपर फायरिंग हो रही थी, रबर फायरिंग हो रही थी, भीड़ इतनी थी और -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और वहाँ बच्चे रशियन वॉर से ना मरते तो ठंड में मर जाते। आज भी कंडीशन वहाँ की ज़्यादा अच्छी नहीं है, हर एक बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है। गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही अपील है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी सारे बॉर्डर्स को खुलवा के ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइटें अरेंज करके हर बच्चे को अपने वतन वापस लौटा दो। अभी वहाँ कितने और स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं और आप लोग किस फ्लाइट से आए हो यहाँ पे? वहाँ पर 18,000 बच्चा है टोटल जो मेडिसिन कोर्स में पढ़ रहा है और लगभग 4,000 बच्चा वापस आ गया, बहुत बच्चा अब भी वहाँ पर है और सिचुएशन इतने ख़राब है कि हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट अरेंज करवा कर वहाँ से बच्चा निकल। वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने कोई इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई मदद की हो किसी प्रकार की? जब हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद रोमानिया के एनजीओ ने हमारी बहुत हेल्प करी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, रहना वगैरह वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था और हम एज ए रेस्क्यूअर वहाँ पर जा रहे थे, हम वहाँ से रेस्क्यू हुए हैं तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी। वहाँ पर टैक्सी, होटल सब कुछ हम लोगों के लिए। इंडिया गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही अपील है कि वहाँ पर बचे हुए लोग सिर्फ बच्चे ही नहीं, तुम्हारे भारत के डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी उनके माता पिता के पास भेज दीजिए। कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है और आज एक इंडियन स्टूडेंट की वहाँ पर डेथ भी हो गई। आपने कुछ वहाँ के जो बच्चे हैं जो अभी भी हालात से जूझ रहे हैं, क्या उनसे कुछ बात हो पाई है आपकी? वो किस हालात में है अभी इस समय? वहाँ बच्चे इतनी प्रॉब्लम में है, किसी का पासपोर्ट खो गया, किसी का मोबाइल खो गया, बच्चे जमीनों पे पड़े हैं, भीड़ हो रही है, लड़कियाँ आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में इस टाइम होंगी। जिसे वो शेल्टर का नाम दे रहे हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस में बच्चों को रख रहे हैं, वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, बच्चे आग जला के रह रहे हैं और इस समय वहाँ पर स्नो फिर से स्टार्ट हो गई है। अब आप ये बताइए जो एकमात्र साधन स्नो आग का था, अब वो बच्चे आग भी नहीं जला पाएंगे। बंकर्स में एक रहने के जो ठिकाने बनाए गए थे वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं एंट्री मिली? आपने अभी कहा था जब हम किसी देश में जाते हैं तो पहले उस देश की प्रायोरिटी होती है। वास्तविकता की बात है अगर इंडियंस होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले इंडियन का बचाव करने की कोशिश करते हैं, उस समय हम वहाँ फॉरेनर्स थे। वहाँ आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग इंडियन हैं और ये यूक्रेन के लोग हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग उनकी नहीं थी? देखो सर, ये 2 देशों की वार है और इन 2 देशों में हमारा इंडियन भारत के किससे अच्छे संबंध है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए रशिया से इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं,
तो यूक्रेनियन हमारा साथ नहीं देगा। क्या खारकीव और जो राजधानी कीव है वहाँ भी आपके कुछ परिचित और स्टूडेंट वगैरह हैं जो वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं? क्या बात हुई है आपकी अंश, क्या बात हुई है उनसे? जी मेरी लगातार मेरे दोस्तों से बात हो रही है अभी, और वो पिछले 3 दिनों से कोई मेट्रो स्टेशन में सो रहा है, क्योंकि जैसे एम्बेसी ने कहा है कि मेट्रो स्टेशन में सो जाओ वहाँ तुम सेफ रहोगे, या बंकर्स में सो जाओ वहाँ पे तुम सेफ रहोगे, तो बच्चे अभी तक वहीं पे ही रह रहे हैं बंकर्स में, कोई रेलवे स्टेशन में। कट वीडियो कट करो।